फ्रेंड आज हम रोज ऑफ सिरोन प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे फ्रेंड, जिसका नाम की रोज ऑफ सिरोन है। फ्रेंड ये एक हिबिस्कस की ही वैरायटी है, जिसका नाम जिसका फ्लावर रोज के जैसा होता है, इसलिए इसका नाम रोज ऑफ सिरोन है। तो फ्रेंड आज हम इसको जो है रिपोर्ट करेंगे। और फ्रेंड इसकी मेरे पास जो है कई और भी प्लांट हैं, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं उन प्लांटों को। तो ये देखिए फ्रेंड, एक प्लांट मेरे पास ये वाला है, और ये देखिए ये कितने गुच्छे में एकदम बंच, देखिए कैसे ये भी गुलाब की तरह फ्लावरिंग करता है, बहुत ही अच्छे फ्लावर प्रोड्यूस करता है। और इस पर भी देखिए कितनी सारी कलियाँ बन रखी हैं, ढेर सारी कलियाँ बन रखी हैं। एक प्लांट ये है, ये पिंक गुड़हल है, और ये देखिए इस पर भी जो है, ये देखिए इस पर बन रहा है, अभी खिलाने भी खिल जाएगा। ये कल खिला था, ये स्प्रेंड हो गया है। तो ये देखिए, और फ्रेंड एक गुड़हल मेरे पास ये है, ये भी रेड कलर का, ये अभी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। और एक ये वाला है, ये वाइट कलर का है, ये देखिए एक वाइट कलर का। और एक गुड़हल मेरे पास ये पिंक कलर का है, ये हाइब्रिड, ये जो है बहुत ही अच्छी ब्लूम करता है। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे बर्ड्स बना रहा है, और कितने अच्छे अच्छे फ्लावर खिल रहे हैं, और कितने अच्छे अच्छे से देखिए बर्ड गुच्छों में इसमें बर्ड्स बन रहे हैं। देखिए गुच्छों में बन रहे हैं, हर ब्रांच में बर्ड बन रहे हैं। तो फ्रेंड हमने आपके गुड़हल की जो है सारी वैरायटी बताई, और ये उनमें से जो है एक वैरायटी जिसका नाम रोज ऑफ सिरोन है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सुशीला आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुशीला टेरिस गार्डन में। फ्रेंड आज हम रोज और सिरोन प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे। तो फ्रेंड उसके लिए मैंने क्या सॉइल मीडिया बनाया है मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड मैंने उसके लिए सॉइल मीडिया पहले से बना रखा है, और जो है मैंने उसमें क्या क्या मिला रखा है मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, सबसे पहले तो मैं ये पॉट लिया है, मैंने एक क्ले पॉट लिया है, ये टब टाइप का है, और ये जो है ज़्यादा ऊँचा नहीं है, मतलब छोटा ही लेकिन चौड़ा है। तो अभी मैं इसको यही दूँगी, जब ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तब मैं इसको बड़ा पॉट दूँगी। तो क्योंकि अभी छोटा ही है तो छोटा ही पॉट में लगाना चाहिए। तो फ्रेंड इसके लिए मैंने ये सॉइल मीडिया बना रखी है। तो ये मैंने गार्डन सॉइल थी, तो वही सॉइल है, और उसी में तो जो है मैंने जो है ये गोबर की खाद मिला रखी है, और इसमें नीम खली मिला रखी है, और बोन मील मिला रखा है, फंगीसाइड मिला रखा है, हल्दी पाउडर मिला रखा है, और जो है जो चाय पत्ती होती है, जो हम वो करते हैं चाय पत्ती की खाद बनाई थी, तो ये चाय पत्ती की खाद ये मिला रखी है, चाय पत्ती की खाद इसमें। तो इतनी चीज़ें मिला रखी है। और फ्रेंड उसके बाद मैंने इसमें जो है ये जो है केले, संतरे, पपीता और प्याज के छिकल का क्रश करके जो मैंने बना रखा था वो मिला रखा है। ये देखिए सुखा के बढ़िया से ये देखिए प्याज का है, ये मिला रखा है। तो फ्रेंड इतनी सारी चीज़ें स्लो रिलीज़ है। फ्रेंड ये सारा मटेरियल मैंने जो है स्लो रिलीज़, ये धीरे धीरे जो है ये स्लो होगा, इस मिट्टी में वो होगा, और फिर धीरे धीरे जो जब तक हमारा फ्लावर जो फ्लावरिंग पे आएगा तो तब ये जो है अच्छे से जो है इस पर जो है वर्क करेगा। तो इसको बार बार हमको फर्टिलाइज़र करने की ज़रूरत नहीं है, पहली मिट्टी सॉलिड बना रहे हैं, और ऐसी मिट्टी बना रहे हैं जो कि स्लो रिलीज हो, बाकी हम इसमें लिक्विड मिलाते रहेंगे, जब भी हमको मिलाना होगा तो हम इसमें लिक्विड। तो चलिए हम इसको जो है इसमें जो है वो करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा जो है प्लांट है, और इसको जो है हम इसमें से जो है निकालेंगे, या तो हम पन्नी को फाड़ दें, या तो जो है हम पन्नी को ऐसे ढीला करके जो है आराम से, आपको पन्नी चाहिए तो आप ऐसे ढीला करके जो है ऐसे करके इसको जो है आसानी से निकल जाता है, अगर ऐसे कैसे करके, क्योंकि ये पन्नी जो है इस तरह से इसको जो है थोड़ा सा पन्नी को खींच जाती है ना ये पन्नी, तो ये वो, और अगर आपको नहीं करना तो आप पन्नी को फाड़ भी सकते हैं, आपको पन्नी नहीं चाहिए तो। मेरे पास बहुत सारी पन्नियाँ, मैं ऐसे ही करके निकालती हूँ इनके प्लांटों को, तो बहुत सारे हैं, कोई कोई पन्नी में फाड़ देती हूँ, बाकी पन्नी की देखिए मेरे फट गई है, तो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारी पन्नियाँ पड़ी हैं। ये देखिए इसको इस तरह निकालेंगे। ये देखिए इसका रूट टेक्सचर, देखिए रूट सिस्टम, देखिए इसका बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए छोटे से उसमें लगा रखा था पॉलीबैग में, और रूट्स बहुत अच्छी बन रही है। तो फ्रेंड हम इसके रूट्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये खरपतवार इसको हटा देंगे, बाकी हम जो इसको ऐसे रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि सबसे पहले हम अपने जो है गमले को जो है ये जो गमले के होल्स होते हैं इनको कवर करेंगे। इनको कवर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी मिट्टी निकल जाती है नीचे से। और इनको जो है ऐसे करके जो है थोड़े से ये इस तरह से हम गिट्टी रख देंगे, गमले के टुकड़े रख देंगे या कोई गिट्टी रख देंगे इस तरह से, इस तरह से कवर कर देंगे। और छेद के होने, फ्रेंड एक से ज़्यादा छेद होना बहुत ज़रूरी है, अगर एक छेद होता है तो हमारी पानी इसमें नीचे रह जाता है पानी। मैंने देखा है कि इसमें जो है ये छेद ऊँचा रहता है और बाकी पानी जो है इधर साइड में रहता, तो उसी से हमारी
हमारे प्लांट में क्या होता है, कीचड़ होता है, उसी से जो है फंगस पैदा होते हैं, उसी से हमारा प्लांट ख़राब होता है। तो ये चीज़ का ध्यान दीजिए, अगर आपके प्लांट में एक ही छेद हो तो आप उसमें दो तीन फूल जो है और कर दीजिए। तो ये देखिए, ये मेरी मिट्टी मिली हुई है और अब हम इसको जो है इस पॉट में भरते हैं और फिर हम जो है रोज ही विस्कस को इसमें प्लांट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने जो है इसमें जो है ये देखिए इसमें हमने फिट्टी मिट्टी फिल कर दी और अब इसको देखेंगे कि कितना वो हो रहा है। थोड़ा सा हम इसकी मिट्टी को जो है वो कर देंगे ऐसे साइड साइड, ये देखिए इस तरह से ये। तो अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये देखिए अब सही है ना, अब इसका यहाँ तक ये लेवल, थोड़ा सा लेवल देख के करना पड़ता है और कुछ नहीं। तो ये देखिए इसकी पत्तियाँ जो ऊपर थे फंगस उंगस ये हमने हटा दिया है, अब हम इसमें जो है मिट्टी फिल कर देंगे। इस तरह से हम इसमें मिट्टी भर देंगे, बहुत ही अच्छे फ्रेंड ये जो है एकदम खूब फ्लावरिंग करता है। और ये जो है गुलाब की तरह इसके फूल होते हैं, जैसे गुलाब की तरह गुलाब के फूल होते हैं, ये देखिए ये रोज़ के फूल इस तरह के फूल होते हैं, ऐसी तरह मतलब इतने ही बड़े होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, जैसे कि हाइब्रिड वाले होते हैं बड़े बड़े, थोड़े से उसी आकार के होते हैं। देखिए हम जब इसके फूल खिलेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से जो है हम इसको जो है अच्छे से ये वो है तो इनको इसमें दबा देंगे ऐसे करके, जो गिट्टी वगैरह है उनको बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से जो है देखिए देखिए फ्रेंड, हमने जो है इसको जो है फिल कर दिया है, इसको इस तरह रिपोर्ट कर दिया है। देखिए मेरा जो है पॉट अच्छे से रिपोर्ट हो गया है और अब हम इसमें जो है पानी डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पानी लिया है मैंने, ये देखिए ये पानी है और इसमें हम थोड़ा सा जो है इसका रूट्स के विकास के लिए फ्रेंड मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा इसमें जो है एक्सन सॉल्ट मिला देती हूँ। ये मैग्नीशियम सल्फेट है, ये जो है बहुत अच्छा होता है पीएम प्लांट के लिए। तो ये थोड़ा सा अपने जो है प्लांट में हमें मिलाना चाहिए और इससे क्या होता है कि हमारे रूट्स का विकास भी अच्छा होता है और उसमें जो है जो भी कमी होती है प्लांट में वो पूरी हो जाती है इससे। तो ये देखिए फ्रेंड, इसको जो है हम इसमें तब तक हम इसमें वाटरिंग करते रहेंगे जब तक इसका पानी नीचे से नहीं निकल जाता। उसके बाद जो है हम इसको जो है गमलों के साथ ऐसी जगह रख देंगे जहाँ इसको मतलब सुबह की धूप लगे, दोपहर की तेज़ धूप नहीं है, दो तीन दिन तक, बाकी तो सेट हो जाएगा क्योंकि हमने इसके रूट्स अलग किए नहीं हैं, तो इसलिए जो है सेट, उसके बाद हम इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे और गार्डनिंग करते रहे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करती रहे। थैंक यू फ्रेंड।